सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड के पार्ट 9 की, जो है प्रिंट एंड सेंसरशिप। अगर आपको वीडियो मेरी अभी तक पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ऑल पे, ताकि आप आने वाले वीडियो को मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अगर हम बात करें पार्ट 9 की, जिसमें बात करें प्रिंट एंड सेंसरशिप की, तो हमने पूरा चैप्टर भी प्रिंट पे किया, तो प्रिंट का मतलब आपको पता ही होगा। सेंसरशिप की बात करते हैं। सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप मतलब कोई भी गलत चीज़ है उसको चेक करना, अगर कोई भी चीज़ को चेक करना, अगर उसमें कोई गलती है उसको रिमूव करना। जैसे कि हमारे मूवीज़ में सेंसर बोर्ड होता है ना, जो कि किसी मूवी को चेक करता है, अगर कुछ ऐसी चीज़ है जो किसी की धार्मिक भावनाओं को या किसी चीज़ को ऑफेंड कर रही है, तो वो उसको रिमूव करवा देते हैं। गालियाँ वगैरह ज़्यादा हैं तो उसको रिमूव करवा देते हैं, कुछ पार्ट्स काट देते हैं, वही उसी को कहते हैं सेंसरशिप। अगर हम यहाँ पर प्रिंट कल्चर के हिसाब से बात करें, तो उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम बात करें 1798 की पीरियड से पहले, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो कि चला रही थी मोस्ट ऑफ द पार्ट इंडिया का, उन्होंने कोई भी सेंसरशिप नहीं डाल रखी थी प्रिंट के ऊपर। कोई भी उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। बट जो फर्स्ट सेंसरशिप आई, जब पहली बार उन्होंने सेंसरशिप की, वो भी अपने ही लोगों के खिलाफ की। मतलब इंडिया में जो इंग्लिशमैन थे, जो कि उनकी जो सीक्रेट न्यूज़ थी या फिर उनके अंदर की जो बातें थी, इनसाइड टॉक्स थी, उसको बाहर रिलीज़ कर रहे थे। अगर आपने पिछले पार्ट्स देखे तो आपको जनरल हिकी का मैंने एग्जांपल दिया था, जिनको बाद में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो क्या करते थे, अंदर की जो बातें थी वो प्रिंट करते थे न्यूज़पेपर में, अपने न्यूज़पेपर को बेचने के लिए। तो जो फर्स्ट सेंसरशिप आई वो अगेंस्ट इंग्लिशमैन ही आई थी इंडिया में, और उनके खिलाफ वो बोल रहे थे। जो भी लोग, जो उनकी पॉलिसीज थी, उनकी मोनोपोली जो थी, उनके खिलाफ जो बोल रहे थे, उन सबके ऊपर सेंसरशिप लगा दी गई कि आप ये लोग प्रिंट नहीं कर सकते हैं। 1820 में जो सुप्रीम कोर्ट थी कैलकटा में, उन्होंने एक लॉ पास किया जिससे कि प्रेस को कंट्रोल करने लगा, सेंसर लगा दिया उन्होंने कि जो भी चीज़ हमारे खिलाफ बोली जा रही है, जो भी चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बोली जा रही है, उन सब चीज़ों को बैन कर दिया जाएगा, उन सब चीज़ों को प्रिंट नहीं होने दिया जाएगा। 1835 में क्या हुआ, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे, काफ़ी सारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे और इंग्लिशमैन थे, उन्होंने क्या क्या पिटीशन डाली कि ये प्रेस पे आपने जो कंट्रोल डाला था उसको हटाओ, ये गलत चीज़ है, प्रेस को फ्रीडम मिलनी चाहिए। जिस वजह से क्या हुआ, 1835 में प्रेस लॉ जो था वो रिवाइव हुआ, और जनरल बेंटिक उन्होंने क्या किया, प्रेस की जो फ्रीडम थी वो प्रेस को वापस कर दी। तो 1835 में आप जनरल बेंटिक का नाम याद कर सकते हैं, जनरल बेंटिक थे जिन्होंने प्रेस का फ्रीडम जो था उनको वापस दे दिया। पर जब ये सब हो गया, सब कुछ ठीक हुआ, उसके बाद क्या हुआ, 1857 में रिवोल्ट हुआ। आपको पता ही 1857 का रिवोल्ट, जो कि फर्स्ट रिवोल्ट था लाइक अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब वो स्टार्ट हुआ, उससे क्या हुआ, जो उन लोगों की भावनाएं आ रही थी बाहर प्रेस को देखकर, उनके खिलाफ जो इंडियन लोगों के खिलाफ जो चीज़ें हो रही थी वो प्रिंट हो रहा था, वो ज़्यादातर लोगों तक पहुँच रहा था। तो इससे क्या हुआ, रिवोल्ट जो था और तेज़ी से बढ़ रहा था। तो जितना भी नेटिव प्रेस था, नेटिव प्रेस मतलब इंडियन प्रेस था, जो वहाँ का प्रेस था, उसको पूरा क्लैम डाउन कर दिया। क्लैम डाउन मतलब कि काट दिया गया, पूरा नीचे कर दिया गया कि अब ये नहीं चल सकता। 1878 में वर्नेक्युलर प्रेस एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या कहा गया, आपको याद रखना होगा कौन सा प्रेस का नाम, एक्ट का नाम क्या है, वर्नेक्युलर प्रेस, और कब पास किया था, 1878 में। इससे क्या हुआ, जो गवर्नमेंट थी उसको सारे राइट्स मिल गए कि आप जो प्रेस है, जो भी प्रेस है, उसको आप प्रिंट होने से पहले सेंसर कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़, कोई बंदा गलत प्रिंट कर रहा है तो उसको आप प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उस पर आप केस चला सकते हैं, उसका प्रेस जो है वो बंद कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, आप पहले वो चेक कर देते न्यूज़पेपर्स को, अगर कुछ गड़बड़ है कि नहीं, गड़बड़ होती थी तो वार्निंग देते थे उनको कि आप ये चीज गलत कर रहे हैं। अगर उस वार्निंग को वो इग्नोर करते थे प्रेस वाले, तो सीजर हो जाता था। सीजर मतलब कि उनको प्रिंट नहीं करने जाता, उनकी कंपनी को बंद कर दिया जाता, सीज कर लेते थे उनके राइट्स प्रिंट करने के। नेक्स्ट जो चीज़ हम बात करें, नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर, जैसे जैसे ये गड़बड़ हो रही थी, जो उसके खिलाफ जो न्यूज़पेपर्स नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे, मतलब इंडियन सपोर्टिंग जो न्यूज़पेपर्स थे, वो आगे आ रहे थे। बट जैसे जैसे वो थोड़ा भी आगे बढ़ते थे, उनको थ्रॉटल डाउन किया जाता। थ्रॉटल डाउन मतलब कि उनको काट दिया जाता था, उनको स्लो डाउन कर दिया जाता था। नेक्स्ट जो चीज़ थी, जैसे लोगों को ये पता चलता था कि हाँ ये हमारे नेशन के बारे में बोल रहा था, अच्छा बोल रहा था, एंड उसी को बंद कर दिया गया, तो उससे क्या होता था, प्रोटेस्ट होते थे, लोग जो थे उनमें आग लग रही थी कि ऐसा क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ये लोग गलत कर रहे हैं, इसीलिए इनमें चोर ऐसा कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें होती थी, काफ़ी सारे बड़े बड़े लोग आए। बाल गंगाधर तिलक, जो कि केसरी नाम से न्यूज़पेपर चलाते थे, उन्होंने अपने जो पंजाब रेवोल्यूशनरीज को जब कैद किया गया था, उसके बारे में उन्होंने लिखा, जिस वजह से उनको अरेस्ट कर लिया गया। 1908 में अरेस्ट किया था, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं उसको शायद, तो 1908 में उनको अरेस्ट कर लिया गया था। तो बस यहाँ पर आपका जो प्रिंट एंड सेंसरशिप है, ये आपको थोड़ा सा डेटा दिया हुआ है जो आपको याद करना है, एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। मुझे उम्मीद है आपको चैप्टर अभी तक पसंद आया होगा। मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के कोशिश करूंगा कि मैं पूरे चैप्टर का एक समरी बना दूँ, 15-20 मिनट्स के वीडियो में पूरा चैप्टर समझाने की कोशिश करूँ। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप यू लाइक द वीडियो, क्लिक द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, एंड शेयर फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस।